तो यार जवान को रिलीज होने में अब एक महीने से भी कम टाइम बचा है, लेकिन बीच में कहीं से डॉन की एंट्री हो गई है। फरहान अख्तर ने आज डॉन 3 की अनाउंसमेंट तो कर दी है, लेकिन सोशल मीडिया पर भारी बवाल मच गया है, क्योंकि फैंस शाहरुख के अलावा किसी और को डॉन के कैरेक्टर में नहीं देख सकते। और सच बताऊं तो मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। जब भी कोई डॉन मूवी की बात करता है तो मुझे शाहरुख का वही स्टाइल, शाहरुख का वो लुक, शाहरुख का वो स्वैग याद आता है। लेकिन शायद अब डॉन 3 में शाहरुख नजर नहीं आएंगे। यहां पर मैं शायद इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सोशल मीडिया पर जो बवाल मचा हुआ है, मैं उसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले रहा हूं। फरहान अख्तर भी ये बात समझ गए होंगे कि शाहरुख के बिना डॉन 3 बनाना बहुत टेढ़ी खीर होने वाली है। ट्विटर पर जाकर आप लोग फरहान अख्तर का वो ट्वीट देखो जिसमें उन्होंने डॉन 3 की अनाउंसमेंट करी है। भाई साहब, उस पूरे ट्वीट को शाहरुख फैंस ने गालियों से भर दिया है। और इतने में भी शाहरुख फैंस का मन नहीं भरा कि उन्होंने ट्विटर पर एक ट्रेंड भी चला दिया, नो SRK नो डॉन। अब मुझे तो हेरा फेरी 3 का वो टाइम याद आ रहा है जब हेरा फेरी 3 की अनाउंसमेंट हुई थी, लेकिन अक्षय कुमार उस मूवी में नहीं थे। फिर सोशल मीडिया पर कुछ इसी तरीके का बवाल काटा गया था और फिर बाद में अक्षय कुमार को हेरा फेरी 3 में शामिल कर लिया गया। और अब कुछ ऐसा ही सीन यहाँ पर डॉन 3 के साथ भी हो रहा है। अब अंदर खाने कुछ इस तरीके की बातें भी चल रही हैं कि शायद फरहान अख्तर अब डॉन 3 प्रोजेक्ट को ही ड्रॉप कर दें या फिर SRK को एक बार फिर से मनाने की कोशिश करें। और इन दोनों ही बातों के चांसेस यहां पर काफ़ी ज़्यादा कम हैं। और अब यहां पर सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई है कि शाहरुख डॉन 3 करना नहीं चाहते हैं और फैंस को शाहरुख के बिना डॉन 3 हजम नहीं होगी। अब ऐसे में फरहान अख्तर करे भी तो क्या करें।